तुम्हारा मतलब? हाँ बिल्कुल, वो खिड़की करीब इतनी खुली हुई थी। हाँ इतनी ही खुली थी, और उसके बाद वहां से कोई अंदर आ गया। और जो कॉमिक बुक डेस्क पर थी उसका क्या? वो कॉमिक बुक तो पानी में गिरकर भीग गई थी। क्या भीग गई थी? इसका मतलब क्या है नोबिता? पता नहीं। क्या तुम्हें किसी पे शक है? नहीं मुझको तो नहीं है, पर ऐसा काम अगर कोई कर सकता है तो वो है। नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। पर डोरेमोन, ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। शायद ये काम तुम्हारे किसी गैजेट से हुआ हो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। पर हमें वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला। मैंने ये नहीं किया, मैं सचमुच बिल्कुल बेकसूर हूँ। अच्छा ठीक है। ओहो, ये सुनो तो मुझे पागल ही कर देगा। उसके पास कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ऊपर वाला सुनियो को सजा दे रहा है। ऊपर वाला सजा दे रहा है? क्या मतलब? ऊपर वाले ने उसे इसलिए सजा दी क्योंकि उसने सभी के अलावा सिर्फ मुझे कॉमिक नहीं दी। सुनियो के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर क्या तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला इस तरह से कॉमिक बुक के पेजेस पर थूक लगाएगा? जरा रुको नोबिता। मैं घर आ गया। ओह नोबिता, तुम आ गए। देखो सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना, ठीक है? ओके। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे वाह, इसको तो किसी की भी फिक्र नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। एक आइडिया है डोरेमोन, बाहर एक डोरा केक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या कहा? हाँ क्या बकवास है, बाहर एक डोरा केक मेरा इंतजार कैसे कर सकता है? नोबिता ने कितना मामूली सा झूठ बोला है। हे नोबिता सुनो, मुझे परेशान मत करो। हाँ नोबिता, मुझे आज कुछ बदला लग रहा है। थोड़ा सा रह गया बस। बुखार तो नहीं है? इसका तो फर्स्ट रेट से नॉर्मल है। बस बहुत हो चुका। चलो अब कम से कम 10 लीटर खून निकालते हैं। अगर सब कुछ गलत हुआ तो इतनी तेजी से होमवर्क करने का कोई फायदा नहीं होगा। आज का होमवर्क तो सचमुच बहुत आसान है, बस होने वाला है। पूरा हो गया। सारे जवाब बिल्कुल सही है। ओह हेलो नोबिता, मैंने आज केक बनाया है, क्या तुम आओगे? क्या कहा शिज़ुका, तुमने केक बनाया है? डोरेमोन को भी बुलाया है। ठीक है हम अभी वहाँ आएंगे। ओके बाय शिज़ुका। अब क्या? डोरेमोन, शिज़ुका के घर में डोरा केक खाने का कंपटीशन चल रहा है। क्या? मैं चाहता था कि डोरेमोन जल्दी से शिज़ुका के घर चला जाए। मेरे ख्याल से उस गैजेट का अब घर आने का वक्त हो गया है। वो रहा। अच्छा हुआ जो आ गए। वाह, अब मैं जाऊंगा शिज़ुका के घर केक खाने के लिए, मजा आएगा। शिज़ुका मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब यहाँ डोरा केक्स खाने का कोई कंपटीशन नहीं हो रहा? नहीं, मैं माफी चाहती हूँ, पर ये लो मैंने ये केक बनाया है। इसको मैंने अभी ओवन से निकाला है, बहुत ही फ्रेश है। लो खाकर देखो। ओह बहुत टेस्टी लगता है। नोबिता कहाँ है? मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ आएगा।
हाँ ओ, अगर मैं सच कहूँ तो उसका बर्ताव अजीब है। हे जरा सुनो नोबिता। हे जियान। नोबिता मैं और सुनियो दोनों बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। जाओ खेलो। असल में क्या था कि हमें तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बॉल पकड़ कर नहीं लाने वाला। नहीं ये काम मुझसे भी अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं और सुनियो मैदान में बेसबॉल खेलने जाए तब तुम मेरी दुकान संभालो, ठीक है? समझ गए नोबिता? मुझे शिजुका के घर जाकर केक खाना है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा। जब मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था तब अचानक कहीं से एक आँख और एक मुँह। हाँ शिजुका, मुँह मेरी किताब के पेजेस पलटता रहा और वो आँखें मेरे नोट्स को घूरती रहीं। इससे मेरे सारे नोट्स भीग गए थे। क्या तुम्हें पता है सुनियो की कॉमिक बुक भी थूक की वजह से भीग गई थी? तब तो ये जरूर उसी का काम होगा। बाप रे, कितनी डरावनी बात है। क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? ओफो, क्या बात है, इस दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। ये दुकान संभालने की कोई जरूरत नहीं। पर जियान को फिक्र हो रही थी इसलिए मुझे रुकना चाहिए। मुझे यकीन है कि इस वक्त डोरेमोन। नोबिता के लिए भी थोड़ा सा बचा कर रखो डोरेमोन। उसे रहने दो, वैसे भी वो अच्छे खाने की तारीफ नहीं करता। उसे केक देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ये हिम्मत, शायद वो भूल गया है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। अरे यार मुझे भी केक खाना है। मुझे इसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। जब डोरेमोन बाहर गया हुआ था तब ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से डिलीवर किया गया था। मैंने इसे चुपके से इस्तेमाल किया और बहुत मजा आया। ये कहीं भी जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसके आँख और मुँह बिल्कुल मेरी तरह काम करते हैं। और अब परख झपकते ही मैं शिजुका के घर पहुँच जाऊँगा। अब जरा शिजुका का कमरा तो देखे। वो रही, केक तो काफी टेस्टी लग रहा है। वाह। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हें ये लगता है कि ये डोरेमोन का गैजेट होगा? तुमने उसे कोई गैजेट दिया? पर जब मैं बाहर गया था तब मेरी गैर हाजिरी में फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से कोई नया गैजेट आया होगा। जब नोबिता आएगा तब उसी से पूछ लेंगे, ठीक है शिजुका? हाँ पर वो काफी लेट हो गया है ना? समझ नहीं आता नोबिता न जाने कहाँ फंस गया होगा। केक खाने का मजा आ गया। अरे वाह, आवाज तो बिल्कुल नोबिता की है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। अरे बड़ी अजीब बात है, उसे वो मुंह और आँख का सेट कहाँ से मिल गया? आइडिया, अब मैं जाकर सभी को चिढ़ाता हूँ। रेडी, तीसरा बेस, सब तैयार है? हाँ, रेडी। हे तुम, जरा ध्यान से। हे बेवकूफ, तुम एक बॉल भी नहीं पकड़ पाए, अभी से ही हार मान गए। लाओ अब है शॉर्ट स्टॉप, पकड़ लेना, ठीक है? सॉरी। तुम सब लोग तो किसी काम के नहीं हो। क्या तुम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे बेसबॉल खेलना आता हो? जियान शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। लाओ और अब आउटफील्ड तैयार रहो, समझे? बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया। अरे भागो, ये तो एक भूत है। देखो ये फ्यूचर डिपार्टमेंट
स्टोर का एक डिलीवरी नोट है। ये नोट तभी आया होगा जब मैं घर से बाहर गया हुआ था। गैजेट को मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल करने के लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? हे नोबिता, दुकान संभालने का शुक्रिया। अब तुम घर जा सकते हो। वो तुम जानते हो ये क्या है? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर मिलेंगे। आखिर नोबिता को हुआ क्या? उसे छोड़ भी दो जियान, जाने भी दो। तुम्हें उस मुंह और आंख से आखिर लेना देना क्या है? क्या ये पूछने की जरूरत है? निकल आ गया। नोबिता, तुम अभी यहाँ आकर बैठ जाओ। ठीक है, पर बात क्या है? सवाल मत पूछो। ये बताओ, क्या तुम मुझसे अपनी नजरें मिला सकते हो? जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा चेहरा बड़ा अजीब सा नजर आता है। मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा। अब चलो, मुझे ऑलवेज आईज इन माउथ लौटा दो। ऑलवेज आईज इन माउथ, वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरे पास सबूत है, समझे? जोड़ी मौत, वो जोड़ा केक कहाँ है? नोबिता ने मुझे दोबारा चकमा दे दिया। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। हम इसे कहते हैं द पेपर अटैक। ये बहुत दीखा है, बहुत दीखा। हे सुनियो, क्या तुम बाकी अटैक्स करने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम तैयार हो जाओ। अब पेपर के बाद होता है चिली पेपर अटैक, उसके बाद हॉर्स रेडिश अटैक, द हॉट मस्टर्ड अटैक, फिर अनियन अटैक और लेमन अटैक, और आखिर में सबसे खतरनाक अटैक, एक बड़े चम्मच से पिकल प्लम अटैक। मेरी मदद करो। मैं चाहता तो हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओ चलो भी, प्लीज ऐसा मत करो। जी आनर सुनियो से ऑलवेज आईज एंड माउथ ले लो, वरना वो मेरी हालत खराब कर देगी। ऑलवेज आईज एंड माउथ वो क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। माफ कर दो, उन जो गैजेट ले लो, प्लीज कुछ करो। अच्छी अच्छी अच्छी।